नमस्ते प्रणाम। 2 दिन पहले गाना आया था, आप लोग को याद होगा कि गाने का नाम था फूल उड़ौल के। खेसारी भैया का गाना था, भक्ति सॉन्ग, सबसे पहला गाना रिलीज हुआ था, जो कि रिलीज हुआ था जेम्स ट्यून्स भोजपुरी चैनल पर रिलीज हुआ था। और एक गाना आता है 2 दिन बाद माँ अम्बा फिल्म्स भक्ति पर, जिसका नाम है अड़हुल के फूल, पवन भैया गाना है। अब बता रहे हैं कि दोनों में क्या है सच्चाई, और खेसारी भैया को गाना डिलीट कैसे हुआ है उसका भी पूरा सच्चाई आप लोग को बताते हैं, और कौन कराया है। आप लोग इस सच्चाई जान करके आप लोग को उड़ जाएगा होश, क्योंकि आप लोग उम्मीद नहीं किए होंगे कि ऐसा ऐसा गेम खेला जा रहा है खेसारी भैया के साथ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और जो भी भाई मेरे चैनल पर अगर नए आए होंगे तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी खेसारी भैया को मानते हैं और जानते हैं सुनते हैं, तो ठीक है आइए वीडियो शुरू करते हैं। पवन भैया गाना आया है जो अड़हुल के फूल, वो आया है माँ अम्बा फिल्म्स पर। माँ अम्बा फिल्म्स भक्ति चैनल है, वो पवन भैया का ही चैनल है, उस पर रिलीज किया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चैनल है पवन भैया का माँ अम्बा फिल्म्स भक्ति, उसका डिजिटल पार्टनर कौन है? तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन। अब सोचने वाली ये बात है दिमाग से कि भाई एक ही टाइटल, जैसे कि खेसारी भैया के नाम है फूल अड़हुल और इनका अड़हुल के फूल, टाइटल सेम लाने का क्या चक्कर है? तो कुल गेम खेला गया है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यहाँ से। अब बता रहे हैं कि उसको पता था कि खेसारी लाल यादव के गाने को हम डिलीट कराएंगे। रहा बात खेसारी भैया गाना रिलीज करने से पहले ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से बात किए थे, आप लोग को हम पिछले वीडियो में बता भी दिए हैं कि बात करने के बाद ही गाना को रिलीज किया गया था, लेकिन ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन इनके साथ किया है धोखा। तो बात कर लिए थे और गाना रिलीज कर दिए थे। अब क्या किया ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन की, उसको पता था कि गाना हम डिलीट नहीं कराएंगे लेकिन डिलीट तो कराना है, तो वो क्या किया कि सेम टाइटल से पवन भैया गाना को गाना लाता है। तो अब यहाँ ये है कि खेसारी भैया को लगा कि मेरा गाना डिलीट होने वाला नहीं है, तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन सोचिए कि कितना बड़ा गेम खेला है कि अब किसे इनका गाना डिलीट करवाता है। तो वार्नर म्यूजिक ग्रुप करके कोई चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, शायद दुनिया का तीसरा स्थान पर वो चैनल है, उसे डिलीट करवाता है जेम्स ट्यून्स भोजपुरी पर जो गाना रिलीज हुआ था। अब बताइए कि इतना बड़ा बड़ा दिमाग ये लोग मिल के खेल रहा है। और एक बात और, इस टाइटल लाने का चक्कर ये था, एक ही जैसे एक ही नाम का टाइटल, कि ताकि जैसे इनका गाना हम डिलीट करेंगे तो इनका गाना नंबर 1 पर शो करेगा, पवन भैया गाना नंबर 1 पर शो करने लगेगा। अब इतना बड़ा ये लोग दिमाग यहाँ से लगाया है, और खेसारी भैया रहे भोले भाले इंसान, तुरंत में इनको कोई भी मतलब हो पिला देता है, इनको मतलब होता है ना कि अपने अंदर ले लेता है अच्छा अच्छा बात करके। क्योंकि देखिए सच्चा इंसान को कभी भी झुकाया जा सकता है थोड़ा देर के लिए, लेकिन परमानेंटली नहीं, क्योंकि कभी ना कभी फिर उनका यहाँ तक लेवल होगा। आज ज़बरदस्ती ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन एग्रीमेंट के द्वारा इनको फंसा के रखा है, जकड़ के रखा है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला खेसारी भैया को नहीं है, ठीक है। बाकी उनसे उनके फैंस ही काफ़ी हैं कि एकदम रेलते रहते हैं, और जितना भी गाना, अब एक और बात और है कि जो भी खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर गाना आ रहा है, आप लोग को पता होगा कि उसका रेवेन्यू, उसका पैसा सब ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को ही जाएगा, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है खेसारी भैया को। फिर भी हम लोग प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं, और खेसारी भैया आप लोगों के लिए गाना छोड़ रहे हैं कि भाई मेरे जनता मेरे फैंस खुश रहे, मनोरंजित होते रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।